हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रज़ा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। दोस्तों आज का टेक न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारी चीज़ हुई है, बहुत सारे लॉन्च इवेंट हुए हैं दोस्तों। तो पूरा टेक न्यूज़ देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं दोस्तों टिकटॉक से। टिकटॉक दोस्तों चाइना छोड़कर, मतलब ये कैसे भी दोस्तों इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये घुसेगा? वैसे दोस्तों ये चाइना छोड़कर, मतलब जो इसकी पेरेंट कंपनी बाइटी डांस, उसको छोड़कर दोस्तों ये अपना हेडक्वार्टर लंदन में बनाने वाला। और ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि वर्ल्ड डिज्नी के जो एग्जीक्यूटिव है केविन मैरी, इनको दोस्तों टिकटॉक वाले अपने चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने वाले हैं लंदन में दोस्तों। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है। बताइए दोस्तों ये कब तक होगा और किस तरह होगा। वैसे दोस्तों अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों। गूगल क्रोम एक तरह का नया फीचर्स लाने वाला है, डिसेबल ऑटो फिल फॉर मिक्स्ड। ये जो है दोस्तों ये क्या करेगा कि आप कहीं भी दोस्तों ऑथेंटिकेशन अपने वेरिफिकेशन वगैरह देंगे या कुछ भी देंगे तो ऑटो आपका दोस्तों नाम, ईमेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह इनबिल्ट वो ले लेता था दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह या कोई भी दोस्तों वेबसाइट वगैरह ले लेता था। लेकिन ये जो दोस्तों नया टेक्नोलॉजी आने वाला है गूगल क्रोम में, उसकी वजह से दोस्तों ये आप जैसे ही डिसेबल कर देंगे उसके बाद कुछ भी दोस्तों वहाँ पर ऑथेंटिकेशन खुद ब खुद नहीं ले लेता है। जैसे कोई भी ऐप खोलते हैं दोस्तों तो किस तरह वहाँ पर लॉगिन करने के लिए पूछता है कि जीमेल से करेंगे, फेसबुक से करेंगे, और जैसे ही फेसबुक लेते हैं तो सारा जो डेटा है वो वहाँ से कलेक्ट कर लेता है और दोस्तों वो लॉगिंग वगैरह कर लेता है। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है कि ये काम होने वाला है। वैसे दोस्तों मेरा एक सवाल है कि आप लोग कितना बड़ा केकड़ा देखे होंगे अपने लाइफ में, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि हिंद महासागर में दोस्तों 14 टन का केकड़ा बाहर आया है, निकाला गया दोस्तों। कोई बोल रहा है कि कॉकरेज है, कोई बोल रहा है कि केकड़ा है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, मतलब ये गोल है, तो उसका जो डायमीटर ऐसा बताया जा रहा है कि 1.6 मीटर का है। मतलब इतना बड़ा दोस्तों शायद ये रूम के इतना बड़ा हो सकता है। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है, आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइए। वैसे चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो दोस्तों प्रोसेसर का मार चल रहा है, बहुत सारे प्रोसेसर आ गए, पहले कम था अभी ज़्यादा है, तो बहुत सारे आ गए दोस्तों। तो ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 865 जो है वो 7 nm पे है, लेकिन दोस्तों स्नैपड्रैगन 875 जी हाँ इसे जी बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा इज्जत देना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 nm टेक्नोलॉजी पे आने वाला। और एक और प्रोसेसर आएगा स्नैपड्रैगन 730G का दोस्तों, सक्सेसर स्नैपड्रैगन 735G, ये भी आने वाला। आप देखिए ये कब तक आएगा और कौन से डिवाइस में आएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी आने वाला है। जब ये आएगा दोस्तों तो इसकी सारी खबर देंगे। दोस्तों मेरा एक सवाल है कि आप लोग एयरटेल का eSIM यूज़ करते होंगे, इसके पास आइडिया या वोडाफोन है, वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि आइडिया और वोडाफोन ये दोनों अपना eSIM ला लिया है दोस्तों, आप जाके ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त है कि आप पोस्टपेड प्लान में अगर है तो ही यूज़ कर सकते हैं, प्रीपेड वालों के लिए ये नहीं है। तो इस तरह का कुछ खबर आ रहा है, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ लॉन्च इवेंट की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना में दोस्तों Redmi का Air.2 ये दोस्तों क्राउड फंडिंग में चल गया है, और इसकी जो प्राइस है दोस्तों अगर ये इंडिया में लॉन्च हो गया इसी प्राइस में तो आग लगा देगा, 99 yuan, मतलब दोस्तों 1000 रुपये। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है। ब्लूटूथ 5.1 पे दोस्तों ये सपोर्ट करता है, और ऐसा बताया जा रहा है कि 300 mAh की इसकी बैटरी कैपेसिटी है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। आप जब ये आएगा इंडिया में तो हम आपको सारी डिटेल देंगे। बात करते हैं दोस्तों इंडिया में Redmi Note9 लॉन्च हो गया, जो काफी जबरदस्त एग्रेसिव प्राइस पे आया है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन की। तो दोस्तों पंच होल डिस्प्ले के साथ आता, क्वाड कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह दिया गया, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों में दी गई है दोस्तों। USB टाइप सी का दोस्तों इसमें सपोर्ट दिया गया है, हीलियो G85 का दोस्तों इसमें प्रोसेसर दिया गया है, क्वाड कैमरा जो है दोस्तों 48-8-5-4-2 का है दोस्तों, और 13 MP का सेल्फी कैमरा है। बात करते हैं चार्जिंग कैपेसिटी के दोस्तों, तो 5020 mAh की बैटरी है, और इसमें दोस्तों 22.5 फास्ट चार्जिंग वगैरह है, और 9 W का दोस्तों रिवर्स वायरलेस चार्जिंग वगैरह भी इसमें दिया जा रहा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। बात करते हैं इसकी प्राइस की, जो बहुत ही ज़बरदस्त आई है। ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि 4 GB RAM 64 GB इंटरनल मेमोरी का प्राइस है 11,999 रुपये, उसके ऊपर दोस्तों 4/128 का जो प्राइस है दोस्तों 13,499 रुपये, और 6/128 का जो है दोस्तों 14,999 रुपये। अगर आप इंटरेस्टेड हो दोस्तों तो 24 जुलाई को आप परचेस कर सकते हैं, ये फ्लैश सेल में जाने वाला है। लेकिन मैं रुकने के लिए बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि आगे का जो न्यूज़ है वो सुनेंगे तो आप सही में रुक जाएंगे। तो 24 जुलाई को दोस्तों realme 6i ये भी लॉन्च होने वाला है, हीलियो G90T प्रोसेसर के साथ आएगा, पंच होल डिस्प्ले क्वाड कैमरा पे आने वाला है दोस्तों। ये फोन काफी जबरदस्त फोन होगा। अब बात करते हैं इसमें दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि 48 MP का सेंसर होने
होने वाला है, कॉर्ड सेंसर होने वाला है। अब जब ये फ़ोन आएगा दोस्तों तो आपको सारी डिटेल देंगे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 30 वाट का फास्ट चार्जिंग और 5000 mAh की बैटरी भी इसमें होने वाली है। जब ये आएगा दोस्तों तो आपको सारी डिटेल देंगे। बात करते हैं दोस्तों रियलमी का एक 5G फोन आने वाला है बहुत ही अग्रेसिव प्राइस में दोस्तों। ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि इसकी कोड वगैरह कुछ लीक हो गई है, जो दोस्तों RMX 2121 को दोस्तों डिनोट कर रहा है, मतलब दोस्तों बहुत ही जल्दी आने वाला है। जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, तो ओप्पो रेनो 4 प्रो ये दोस्तों 31 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। फ्लिपकार्ट में इसकी टीजर पेज वगैरह चल गई, काफी जबरदस्त फोन है दोस्तों ये देखने में भी लगता है। बात करते हैं दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन की, स्नैपड्रैगन 765 का दोस्तों प्रोसेसर आने वाला है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ट्रिपल रियर कैमरा पे होगा दोस्तों, बैक पे 48 12 और 13 का दोस्तों 4000 mAh की बैटरी, 65 वाट का फास्ट चार्जिंग इसमें होने वाला है। जब ये फोन आएगा दोस्तों तो आपको सारी डिटेल देंगे। वही दोस्तों बात करते हैं चाइना में ओप्पो का एक नया फोन K7 5G, ये दोस्तों स्नैपड्रैगन 765 पे दोस्तों लॉन्च होने वाला है। इसका जो डिजाइन है, शॉमी का एक मी 10 करके फोन आया था उसी तरह का दोस्तों, देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है, देखने में काफी जबरदस्त लग रहा है। इंडिया में ये आएगा या नहीं आएगा, जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। वैसे दोस्तों टेक न्यूज अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का वीडियो हम देते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं वन प्लस की, तो वन प्लस नॉर्ड दोस्तों लॉन्च होने से पहले ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें दोस्तों सिर्फ गूगल का जितना ऐप है वही होगा, चाइनीज वगैरह नहीं होगा, तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है। अब जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। वैसे दोस्तों वन प्लस बड्स का दोस्तों प्राइस लीक हो गया है, ये दोस्तों 21 जुलाई को जो लॉन्च होने वाला है, मतलब कल जो लॉन्च होने वाला है उससे पहले दोस्तों इसकी प्राइस लीक हो गई, और ऐसा बताया जा रहा है $99.99, मतलब 7000 रुपए का दोस्तों ये आएगा। जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। बात करते हैं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी m31s, काफी जबरदस्त फोन है, 30 जुलाई को दोस्तों ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बहुत सारी इसमें दोस्तों एक्सोनोस 9611 का प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होने वाला है, 6000 mAh की बैटरी और 30 वाट का दोस्तों फास्ट चार्जिंग वगैरह इसमें होगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। जब ये फोन आएगा दोस्तों तो आपको सारी डिटेल देंगे। वही दोस्तों बात करते हैं 5 अगस्त को सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट होने वाला है, उसमें दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 ये भी लॉन्च हो सकता है दोस्तों। जब ये लॉन्च होगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज़ की, तो इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस ये दोस्तों कल लॉन्च होने वाला है, 6000 mAh की बैटरी है दोस्तों, फ्लिपकार्ट में इसका टीजर पेज वगैरह आ गया है। बात करते हैं दोस्तों हिलियो P22 प्रोसेसर में आएगा, क्वाड कैमरा आने वाला है दोस्तों, 6000 mAh की बैटरी, जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप डील्स की, तो डील सही की है दोस्तों, अमेजोन में आईफोन डे सेल चल रहा है, अगर आप आईफोन 11 वगैरह लेना चाहते हैं तो 5000 तक का उसमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के टेक न्यूज में इतनी ही, उम्मीद वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आप कुछ भी दोस्तों गिफ्ट में जीत सकते हैं। बहुत ही जल्द ये चीज़ शुरू होने वाला है हमारे चैनल पे दोस्तों, जितने भी कमेंट करेंगे उसमें एक पिक करेंगे, और उसमें दोस्तों आपको पेटीएम का गिफ्ट वाउचर या अमेजोन का दोस्तों आपको मिल सकता है, तो कमेंट जरूर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।